तो आज की हमारी क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैसेज बॉक्स के बारे में। तो हम यहाँ अपने डेटा में जाते हैं और सबसे पहले हम मैसेज बॉक्स के बारे में आपको बताते हैं कि मैसेज बॉक्स है क्या। देखिए, जब भी कोई मैक्रो हम बनाते हैं उसमें किसी स्टेप के बाद यूजर को किसी भी तरह का मैसेज प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, तो उसके लिए हम मैसेज बॉक्स लेते हैं। तो मैसेज बॉक्स को आपने मेरे इससे पहले की कई सारे क्लासेस में देखा होगा कि मैंने मैसेज बॉक्स के बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप बात करें कि मैसेज बॉक्स क्या होता है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम MSG बॉक्स लिखते हैं और फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं कि प्लीज हाँ या जो भी लिखना है प्रॉम्प्ट में हम लिख देते हैं। तो जनरली हम यही करते हैं। लेकिन मैसेज बॉक्स के मदद से और भी चीजें हो सकती है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कि dim r as a integer, और मैंने यहां पे लिखा r equal to मैसेज बॉक्स और ब्रैकेट में दिया। अब इसमें क्या क्या चीजें है देखिए। प्रॉम्प्ट मतलब कि मैसेज क्या लिखना आना चाहिए। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि ड्यू 1 2 सेव। ओके, अब इसमें जैसे कि जनरली जो मैसेज लगाते हैं उसमें यस एंड नो होता है। वहां पे यस ओके, जस्ट ओके होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो इसमें कि आपके खुद के मैसेज हो, तो यहां पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहां पे डिफाइन कर लिया यस एंड नो, यस एंड नो, यस एंड नो। तो इससे क्या होगा कि जब मैसेज चलेगा तो वहां पे आपको यस एंड नो होगा। नवनीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नवनीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा नवनीत जी की माइक वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यस एंड नो, अब आता है टाइटल। जैसे कि जब भी कुछ हम करते हैं तो यहाँ ऊपर टाइटल लिखता है ना, यहाँ पे ऊपर टाइटल। इस तरह ये भी एक तरह का मैसेज बॉक्स ही है। तो इस तरह के जो टाइटल्स है, इन टाइटल को लाने के लिए यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं कि कन्फर्म, इस तरह की टाइटल आप दे सकते हैं और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, प्ले करने के बाद मुझसे इस तरह का मैसेज बॉक्स होगा। देखिए, कन्फर्म टाइटल में आ गया, यहाँ पे मैं जो प्रॉम्प्ट मैसेज दिया था वो प्रॉम्प्ट मैसेज आ गया। अब मैं यस पे क्लिक करूंगा तो बीवी यस जो है आर पे स्टोर करेगा। अगर मैं नो पे क्लिक करूंगा तो वीवी नो वो स्टोर करेगा, नो किया। अब इसके बिहाव पे आगे कुछ करना चाहते हो आप तो कर सकते हो, जैसे कि कंडीशन लगा के कि इफ आर इक्वल टू वीवी यस देन एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज एंड ट्रू, और यहां पे एंड। अब ये मैक्रो वर्न होगा और अगर मैंने यस पे क्लिक किया तो इस फाइल को क्लोज करेगा या सेव करेगा। अगर नो पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं करेगा। तो आप मैक्रो लगाते समय इस तरह की चीजें आप चाहते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे आप यहां इस्तेमाल करते हो, यहां पे एक चीज और है कि यहां पे कुछ सिंबल नहीं आ रहा है और किसी तरह का साउंड नहीं आ रहा है। जबकि अगर आप कोई और जो सिस्टम जनरेटेड मैसेज को देखें, जैसे कि एक साउंड आया और इस तरह का निशान आया, तो मैं भी अपने मैसेज बॉक्स में इस तरह के निशान को चाहता हूं। तो VVS के उनों के ऊपर हम प्लस करेंगे, यहां देखिए आपके पास आता है VV क्रिटिकल। अगर आप VV क्रिटिकल को प्लस कर देते हैं तो यहां पे जब मैसेज रन करेंगे तो क्रिटिकल का साउंड आएगा और क्रिटिकल का यहाँ पे आपको सैम्बल भी आएगा। लेकिन मुझे क्रिटिकल नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वार्निंग। क्रिटिकल, वार्निंग और इंफॉर्मेशन तीन होते हैं। तो क्रिटिकल तो देख लिया, अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन आप कर देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आई का सिंबल बना हुआ आएगा
और ये आपका मैसेज आएगा। और तीसरा क्या था? तीसरा हमारे पास था वार्निंग, वीवी वार्निंग। नहीं, वीवी क्वेश्चंस, माफ कीजिएगा, क्वेश्चंस है इसमें। नवनीत जी, मेरी आवाज आपको आ रही है सर? प्लीज, मेरे से इन्होंने हेडफोन सेलेक्ट नहीं किया। नवनीत जी, सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, सुन रहे हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सुधांशु जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। नवनीत जी, आपके आंसर प्रॉब्लम है सर। देखिए, आपका इंटरनेट हो सकता है स्लो हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस कर देता हूँ, जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो क्वेश्चंस मार्क आता है। तो यूजर फॉर्म इसमें ये आपका जो मैसेज बॉक्स है, इस मैसेज बॉक्स में आप अपना इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, किसी तरह का इनपुट लेना चाहते हो तो इसके लिए ले सकते हो, और अलग अलग मैसेजेस दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है सर। अब प्रॉब्लम आती है कि ये तो एक लाइन का मैसेज है, मुझे अगर दो तीन लाइनों का मैसेज दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे दो मैसेज चाहिए, दो लाइन का मैसेज चाहिए। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पे मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा कि dim m as a string, और मैंने यहां पे दिया m equal to do you want to save, सेव क्वेश्चन मार्क दे दिया। फिर इसी के साथ हमने ऐड किया वीवी न्यू लाइन, और मैंने मैसेज दिया कि आफ्टर स्टार लगा दिया कि आफ्टर सेव ऑटो क्लोज। ठीक है। अब देखिए वीवी न्यू लाइन क्या करेगा कि इस मैसेज को पहली लाइन में और इस मैसेज को दूसरी लाइन में शो करेगा। चाहिए मुझे यहां पे नाम चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने एक गलत कर दिया। यहां हमने जो डू वांट टू सेव है, इसके जगह पे मुझे इस एम को लेना होगा। जब मैं इसको शो करूंगा तो देखिए, डू वांट टू सेव एंड आफ्टर ऑटो क्लोज। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां पे एक लाइन लिखा और फिर एन परसेंट क्या करता है, ये दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है, यूज करते हैं। बीच में हमने वीवी न्यू लाइन दे दिया तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक लाइन का ब्रेक आ गया। अब लाइन का तो लाइन तो चलो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास ए वन में नेम है, सॉरी मैं यहां पे नेम देता हूं पूजा और 22 एंड सिटी दिल्ली, और मार्क्स या अमाउंट मान लीजिए 5,000 करता हूं, तो मुझे एक फॉर्मेट में आना चाहिए। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं, दोबारा करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे एमएस बॉक्स 2 देते हैं और यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं नेम और कॉन्कैटेनेट करते हैं वीवी टैब। तो न्यू लाइन क्या करता है, लाइन देता है, बीवी टाइप क्या करता है, टाइप का ब्रेक देता है, सिटी एंड बीवी टाइप। यहां पे क्या देंगे हम, अमाउंट। उसके बाद मैं वापस करता हूं बीवी न्यू लाइन, लाइन ब्रेक हुआ, और यहां पे मैं देता हूं रेंज
a one dot value, और n percent दिया vv tab. फिर वापस इसी चीज को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सॉरी, यहाँ पे n परसेंट लगाना होगा, और ए वन की जगह पे बी वन, और वापस n परसेंट, और यहाँ ए लास्ट में टैब लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे सी वन हो जाएगा. अब जब हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि मैसेज बॉक्स में एक टेबल फॉर्मेट में आपका पूरा डाटा दिख रहा है. दिख रहा है सर? सांसु जी, समझ में आया आपको? जी सर, जी सर, जी सर. सर, क्या इस पे हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, जैसे कॉलम वाइज बॉर्डर वगैरह लगाते हैं. ठीक है, ठीक है, चलेगा सर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन क्या ये तो चलो एक एक सिंगल सेल था, लेकिन मेरे पास मान लीजिए कि एक रेंज है, डेटा रेंज है. मैं इस पूरे को चाहता हूं, समझ गए? तो कैसे करेंगे जी? इसके लिए थोड़ा सा तिग्रम करना होगा. क्या तिग्रम करना होगा? चलिए, सब्जेक्ट एम एस जी अंडरस्कोर 3. नवनीत जी, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? बीच से आप ऑब्जर्व कीजिए कि ट्रेनिंग कैसे है. जब आपकी कोर्स स्टार्ट होगी तो बेसिक से स्टार्ट होगा. नहीं, मुझे थोड़ा प्रोजेक्ट करना. तो डिम एम एज ए स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे किया कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2, कितने रो है? 16 है, तो 16. अब फिर यहाँ पे देंगे 4 जे इक्वल टू चले 1 2, कितने नंबर ऑफ कॉलन है? तो ये आपका है 6. और इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपना एंड वाला मेथड लगा के. फिलहाल मैं ऐसे ही कर देता हूं. अब यहाँ पे m इक्वल टू हमने बोला m के साथ जुड़े वीवी टैब, वीवी टैब एंड n परसेंट सेल्स, i रो हो गया और j कॉलन हो गया, डॉट वैल्यू. अच्छा, यहाँ स्पेस, हाँ. और फिर नेक्स्ट j, और फिर m इक्वल टू m के साथ कौन कॉन्कनेट होगा? vv न्यू लाइन, क्योंकि ये हमारा i जो है रो है और j हमारा कॉलन. ठीक है, तो जे चलेगा कॉलम वाइज, तो हर कॉलम के डेटा को टैब के सेपरेशन के साथ वो ज्वाइन कर लेगा. लेकिन जब वो आर आएगा तो फिर वापस वो न्यू लाइन जोड़ देगा, ताकि दूसरी जो कॉलम ऐड होगा वो नीचे ऐड होगा. फिर लास्ट न्यू लाइन, आप इसलिए, हाँ, लाइन ब्रेक करने के लिए. एक डाउट है, बोलिए क्या बोल रहे हैं? न्यू लाइन क्रशर नीचे आ जाए, मतलब. हाँ, बताता हूँ आपको, एक बार रन करता हूँ, पता नेक्स्ट, माफ कीजिएगा, मैं नेक्स्ट आई नहीं किया, नेक्स्ट आई. हाँ, अब देखिए, देखिए एक मिनट, एक ही क्यों है फिर? न्यू लाइन लिखने का मतलब क्या हुआ सर? ये एक ही लाइन में आया हुआ है? नहीं, एक ही लाइन में नहीं आया है, मैंने मैसेज बॉक्स को लूप के अंदर डाल दिया, ये गलती हुआ है. अच्छा, हाँ सर, देखिए मैसेज बॉक्स को मुझे नीचे डालना चाहिए था, लूप के अंदर डाल दिया, इसलिए दिक्कत. नेक्स्ट आई के आगे आएगा ना सर? हाँ, अब देखिए, बताता हूँ आपको कि अभी ये आपका डेटा जैसा है ऐसा उठ के आ गया. अब इसके और इसके बीच में ए, देखो जे जो, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप समझ लें कि ए जो आपका है, ए आपका चल रहा है जे. ठीक है, तो जे जब दो वैल्यू को ले रहा है तो उसके बीच में वीवी टाइप का सेपरेशन दे रहा है, और ए जो नीचे की तरफ चल रहा है वो चल रहा है आपका आई. तो जब दूसरा लाइन चलेगा तो पहले लाइन में वो वीवी न्यू लाइन ऐड करेगा, ताकि आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नीचे वाले लाइन में आ जाए.
कर्सर डाउन जैसे होता है, एंटर समझिए एक तरह से एंटर हुआ। ठीक है सर, रमजीत जी समझ जी आया, आपको आया समझ में रमजीत जी? ये तो नहीं, मेरा पूछने का ये था कि जो कॉन्केटिनेट करके वी न्यू लाइन लिखे ना, तो उसको लिखने का जरूरत क्या था? अगर तभी नीचे आएगा ना। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, चलो मैं आपकी हटा देता हूँ, मैं इसको हटा दिया, आप अगर नहीं लिखेंगे तो जितना भी कोड होगा, एक मिनट, हाँ अब मैंने इसको नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जब मैसेज बॉक्स चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे सीक्वेंस में सही से नहीं आ रहा है, लाइन ब्रेक आपको दिख रहा है ना आपको, क्यों? क्योंकि ये मैसेज बॉक्स का मैक्सिमम साइज इतना ही है, इस कारण से ब्रेक हो गया। अगर डेटा छोटा होगा तो एक ही लाइन में पूरा दिख जाएगा आपको, टैब के जैसे है, नीचे किसका हुआ नहीं है और सही से अरेंजमेंट आपका नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 78 से लेके 32 तक होना चाहिए था, यहाँ पे देखिए 78 से आपका 12 तक है, नीचे वाला भी आ गया हुआ है, फिर नीचे लाइन 81 से 80 तक होना चाहिए था, 81 से 88 मतलब कि यहाँ तक लिए हुए हैं, सीक्वेंस में नहीं ना है। तो हम न्यू लाइन लगाएंगे ताकि जिस सीक्वेंस में हमारा डेटा है, जैसे इस सीक्वेंस में देखिए कि A1 से लेके F तक चला, F के बाद निचला लाइन है, तो इस निचले लाइन लाइन बाय लाइन लिखने के लिए हम VV न्यू लाइन का यूज करेंगे, ताकि एक सही पोजीशन पे हमारा लाइन ब्रेक हो। समझ गया? यहाँ देखिए 78 से 32, 12 से 80, फिर 71 से 10, सही सीक्वेंस में है। अब समझ में आ गया आपको? तो नॉर्मली मैंने आपको समझाया कि मैसेज बॉक्स क्या होता है, मैसेज बॉक्स के ऊपर आप अपने बटन्स चेंज कैसे करें, जैसे VVS नो के कैंसल कैसे डालें, फिर मैंने समझाया कि आप उसके ऊपर जो है आप जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जैसे सैम्बल और साउंड को कैसे डालें, राइट, फिर उस जब हम यस या नो या जो भी बटन पे क्लिक करेंगे उसके रेफरेंस में आगे आप कंडीशंस को यूज करते हुए अपना परफॉर्मेंस कैसे दें, फिर मैंने बताया कि अगर आपको दो लाइन लिखने हो तो कैसे लिखें, आपको एक फॉर्मेट में लिखना हो तो फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे, अगर पूरी की पूरी टेबल को लेके डालनी है तो पूरी की पूरी टेबल को लेके डाल सकते हो। तो टेबल का यूज तो हम लोग खास नहीं, लेकिन हाँ इस मैटर का यूज हम लोग हमेशा करते हैं। जब हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म में जब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हम मैसेज बॉक्स में दिखाते हैं कि आप क्या क्या चीजें प्रिंट करने जा रहे हैं, एक बार देख लीजिए। जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो कन्फर्म करने से पहले आपको दिखाता ना कि बस चेक एंड कन्फर्म, तो जो भी आप फॉर्म में एंट्री किए हुए एक फॉर्मेट में आ जाता है। क्या सुधांशु जी? जी 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 सर, जी सर। तो उसी तरह के फीचर्स आप भी यूजर फॉर्म में कर सके या एक्सेल फॉर्म में कर सके, इस तो उसके लिए हमने ये एग्जांपल बताया। अब इस एग्जांपल को आप अपना सेंस लगा के, आप अपने एक्सपीरियंस लगा के अपने एग्जांपल पे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? तो मैसेज बॉक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए और तकरीबन 5 एग्जांपल मुझे दे दीजिए, इस कोड में आपको भेज देता हूँ, ठीक है? ओके सर, चलेगा सर, चलेगा सर। ये वीडियो भी mega.ng पे मिल जाएगा क्या सर? नहीं, ये वीडियो जो आपने सेलफोन से ज्वाइन किया है ना सर? जी सर। अगर आप इससे करेंगे, क्या बोलते हैं, सिस्टम से? हाँ सिस्टम से करेंगे, लैपटॉप से ना? हाँ लैपटॉप से करेंगे तो खुद आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, Alt+R इसकी शॉर्टकट है। तो एक कोड मैंने भेज दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे 5 एग्जांपल बना के भेजिए। चलेगा सर, चलेगा सर। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना ये वीडियो लेने के लिए? नहीं, दूसरा मैं आज की वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा वहां से। चलेगा चलेगा सर, थैंक यू वेरी मच। इंडिया सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।